दोस्तों कैसे आप सभी, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल सपोर्ट पर्पस। और दोस्तों आज की इस वीडियो में भाई आप लोगों को बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, क्योंकि भाई आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं जो है भाई फिर से आने वाला हूं मिल्ट टट्टी बेस। और भाई आपको तो पता है भाई मैं जो है पोचिंग का किंग हूं, लेकिन दोस्तों अब जो है ना आजकल भाई मैं जो है मिल्ट टट्टी बेस यानी कि मिलिट्री बेस का भी किंग बन चुका हूं। अच्छा, फिलहाल दोस्तों यहाँ पे जो मैं खेल रहा था डुओ, और आपको पता जब भी मैं डुओ खेलता हूँ तो फिर मैं ड्यू मिलता हूँ सबकी चोटी रगड़ता हूँ। अच्छा, फिलहाल दोस्तों यहाँ पे जो है मेरी गाड़ी के ऊपर एक नंगा विक्टर बैठा था, और देख रहे हो सुपरमैन पंच, सुपरमैन पंच, ए टट्टे निकाल दूंगा बेटा विक्टर। अब फिलहाल दोस्तों यहाँ पे जो है मेरी गाड़ी के ऊपर विक्टर उछल रहा था, और भाई इसने जो है ना मेरे कांच को तोड़ दिया था। मैंने कहा बेटा तेरी तो हड्डियां तोड़ूंगा। अब फिलहाल दोस्तों यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं भाई मिल्ट टट्टी बेस का जो है ना हॉट ड्रॉप आ रखा था, मतलब भाई वहाँ पे पीला सर्कल था। तो भाई यहाँ पे दोस्तों बहुत सारे बंदे आने वाले थे, और यहाँ पे दोस्तों मेरे साथ खेल रहा था गोयल। अब फिलहाल दोस्तों यहाँ पे जो है गोयल को भी काफी कम खेलना आता है, तो यहाँ पे दोस्तों देख रहे ये था कि गोयल यहाँ पे सर्वाइव कर पाता है या नहीं कर पाता, क्योंकि भाई मैं तो आपने थंबनेल और टाइटल में देख ही लिया भाई यहाँ का किंग बन चुका हूँ, तो भाई कैसे बन चुका हूँ बस आप देखते जाना। अब फिलहाल दोस्तों यहाँ पे जो है ना जैसे प्लेन पर आता तो भाई मैं कूद जाता हूँ, और यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने जो मार्क लगाया था ना भाई वो पीछे से वाले साइड में बिल्डिंग में लगाया था, मतलब जो कंपाउंड होते हैं ना पीछे साइड वाले। हालांकि दोस्तों मैं कूदता पुलिस स्टेशन में, वो आजकल मेरी फेवरेट जगह वही है, लेकिन भाई वो ना कुछ ज्यादा ही आगे था, तो मैंने कहा जो नियर बाय में बिल्डिंग आ रही है वहां पे कूदते हैं। और भाई आसपास ना बहुत सारे बंदे आ रहे थे जैसे कि आप देख ही होंगे। अब इतने सारे बंदे देखने के बाद ना मेरे दिमाग में यही आ रहा था कि भाई सर्वाइव कैसे करेंगे, क्योंकि भाई गोयल को तो कम खेलना आता है, और यहां पर दोस्तों मैं जो है अकेला पड़ जाऊंगा, और भाई बंदे बहुत सारे हैं। अब फिलहाल दोस्तों बस यही था कि भाई उतरते बस गन मिल जाए, क्योंकि भाई बंदे इतने ज्यादा थे कि भाई हालत खराब हो चुकी थी, देखते मेरे को लग रहा था भाई लॉबी पहुंचेंगे बस मिल जाए, ठीक है, क्योंकि भाई रिकॉल तो जाऊंगा एटलीस्ट भाई मर गया तो। फिलहाल दोस्तों यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं जैसे मैं यहाँ पे कूदता हूँ ना, तो भाई यहाँ पे दोस्तों भाई आसपास देखो कितने सारे पैराशूट खुल रहे हैं, मतलब मेरे सामने 3-4 पैराशूट आ चुके थे। और भाई यहाँ पे दोस्तों उतरती जो है बमबारी स्टार्ट हो चुकी थी, गन बन सब चले लग गई थी, तो भाई मेरे को उतरती मिल गई थी भाई जान और ऊंची पूंजी था गॉड गन। तो दोस्तों यहाँ पे जो है भाई मैं आगे बढ़ता हूँ, और भाई यहाँ पे दोस्तों जो है मेरे को यम्पी मिल जाती है, तो पहले मैं वो उठाता हूँ। और भाई दोस्तों यहाँ पे जो मेरे सामने ना कुछ ज्यादा बंदे होते हैं, तो भाई मैं थोड़ी देर होल्ड करता हूँ और चेक करता हूँ बंदे किधर है। अब यहाँ पे दोस्तों मेरे सामने ना चारों तरफ बंदे बंदे थे, तो मैंने दोस्तों यहाँ पे जो एक मौली निकाली, मतलब करनो कड़वा काढ़ा निकाला और भाई फेंक के मारा। अब फिलहाल दोस्तों यहाँ पे जो मैंने इसको थोड़ा फायर दिया लगा भी इसको, लेकिन दोस्तों ये बच जाते, तो फिर दोस्तों यहाँ पे जो मैंने इसको ना एक और करनो कड़वा काढ़ा फेंक के मारा, और जैसे दोस्तों उसको मैंने फेंक के मारा तो उसका दोस्त जो है ना पीछे से आता है, और अब देखो अब इसको मैं मारता हूँ तो इसका टीममेट भाई उछलता हुआ आता है मेरी तरफ मारने मेरे को, और दोनों यूपीएससी को पहुंचा दिया मैंने लॉबी। फिलहाल दोस्तों यहाँ पे जो दोनों टीममेट थे और इनको मार रहे दोस्तों यहाँ पे जो भाई फटाफट से मैं लूटा पार्टी करता हूँ, मैंने गोयल को बोला उसके मैं तेरे को रिवाइव कर दूंगा। अब फिलहाल दोस्तों यहाँ पे जो एक और बंदा आता है हमारे ऊपर पुश करने, थर्ड पार्टी करने, थर्ड पार्टी करेगा तेरे को शादी में बुलाया है मैंने, जो थर्ड पार्टी करने आया। फिलहाल दोस्तों यहाँ पे जो है इस थर्ड पार्टी को तो मैं मार देता हूँ। अब उसका दोस्तों यहाँ पे जो है मैं एक मर्रे से पहले आकर से पूरी करता हूँ और एक मरिंडा घूट मारता हूँ, और भाई यहाँ पे उसको गोयल बोल रहा था एक और बंदा आ रहा है, मैंने कहा रुक जा तेरे को रिवाइव करता हूँ टेंशन मत ले, तू एक काम कर साइड में आ जा। फिलहाल दोस्तों यहाँ पे जो है ना जाली की वजह से ना भाई ये वाले बंदे को तो मैं मार नहीं पाता हूँ, लेकिन गोयल इतने मेरे पास आ जाता है और इसको दोस्तों यहाँ पे जो भाई मैं फटाफट से रिवाइव कर देता हूँ, मतलब पेट पे हाथ धर के बैठा था ये, अरे मार दिया बचाओ। अब फिलहाल दोस्तों इसको भाई फाइनल रिवाइव करने के बाद ना भाई मेरे को यहाँ पे चाम भी मिल जाता है, मतलब वो तितली मिल जाती है, और भाई इनकी पेटी में लूटा पार्टी कर रहे थे दोस्तों, यहाँ पे जो मेरे को सामने एक बंदा दिखता है, तो मेरे को पता था यहाँ से दोस्तों एंगल बन रहा है, मैं प्रीफायर दूंगा तो कोई ना कोई चपेट में आएगा ही, और ऐसे दोस्तों यहाँ पे जो एक बंदा डॉक भी होता है, तो यहाँ पे मैं निकालता हूँ अंबानी, क्योंकि दोस्तों मेरे को बनना था अंबानी। अब फिलहाल दोस्तों यहाँ पे जैसे ही मैं अंबानी फेंक के मारता हूँ ना, तो मुझे पता था पक्का कोई ना कोई फूटेगा, क्योंकि वो रिवाइव दे रहा हूँ अपने दोस्त को, एकेएम की गोलियां चाहिए। और फिर दोस्तों यहाँ पे जो है इसका दूसरा वाला बंदा भी मैं मारता हूँ, क्योंकि भाई ये बम गेटर से जो है ना पीछे आ गया था। अब फिलहाल दोस्तों यहाँ पे जो मैं आगे बढ़ता हूँ और भाई इनकी पेटी में भी लूटा पार्टी करता हूँ, और इनसे भी अच्छा खासा कोड़ा बीन लेता हूँ। अब फिलहाल दोस्तों यहाँ पे जो मेरे को भाई काफी सही लूट मिल गई थी, मेरे पास काफी सारी कमलेश की हरी वाली गोली भी होती थी। अब मुझे सामने एक बंदा दिखता है जो कि गोल को नॉकआउट कर देता है। अब फिलहाल दोस्तों यहाँ पे जो मेरे को पता था मैं गोल को रिवाइव देने तो नहीं जा सकता हूँ, क्योंकि मैं जाऊंगा तो पक्का मारेगा, इसलिए दोस्तों यहाँ पे जो है पहले मैंने डिसाइड करा मैं इसको मारूंगा। अब यहाँ पे मेरे पास ना मौली थी, तो भाई मैंने सोचा वही फेंक के मारते हैं, लेकिन फिर इसमें दोस्तों यहाँ पे जो खुद ही बाहर निकल के आ गया, तो यहाँ पे उसको मैंने नॉक किया। अब मैंने कहा चलो भाई इसके ऊपर जो है ना करनो कड़वा का, क्या बोला तूने? अब मैंने कहा इसके ऊपर चलो भाई करनो कड़वा काड़ा फेंक के मारते, और भाई यहाँ पे दोस्तों आवाज आएगी जल जाएगा, अरे मजदूर था, लेकिन दोस्तों यहाँ पे दोस्तों आवाज ही नहीं आती, तो फिर मैंने कहा रुक जाओ इसकी आवाज तो मैं निकाल के आता हूँ। फिलहाल दोस्तों यहाँ पे जो मैं जाता हूँ और चेक करता हूँ कहाँ पे ये बंदा,
और इसको मैं पूरा मारता हूँ। और भाई लूटा पार्टी करने के बाद गोयल को बचाने जाता हूँ और भाई इसकी पेटी से मेरे को मिल जाती है यमवष्टी द गॉड करते। मैं काफी खुश हूँ, मैंने कहा अब तो भाई चिकन मेरा ही है फिलहाल दोस्तों। यहाँ पे जो है मैंने कहा भाई चिकन तो पता नहीं, लेकिन भाई यहाँ सबसे जो ना बिल टट्टी बेचकर मैं पूरा साफ कर दूंगा, सबकी टट्टी निकालूंगा इधर। फिलहाल दोस्तों यहाँ पे जो है मैं वापस जाता हूँ और भाई गोयल को हाथ लगाता हूँ, क्योंकि भाई ये जो है ना भाई बार बार घुटनों के बल आ जाता था। तो भाई मैंने दोस्तों इसको भाई फटाफट से रिवाइव दिया और मैंने इसको बोला कि भाई एक काम करे अमृत का घड़ा पी ले। फिलहाल दोस्तों उसको रिवाइव देने के बाद ना भाई अभी भी काफी सारे यहाँ पे बंदे थे, तो भी मेरे को टावर से आवाज आती है, कोई टावर में बैठ के ना कंजर टैप टैप करके शॉट मार रहा है। तो मैंने कहा कहाँ है कहाँ है। फिलहाल दोस्तों यहाँ पे जो है मैंने कहा टावर वाले कंजर को तो मैं बताता हूँ सबसे पहले। अब फिलहाल दोस्तों इस वाले टावर वाले बंदे को मैं देख ही रहता हूँ और भाई मेरे को दिख भी जाता है टन टन टन। और जैसे दोस्तों उसको मैं नॉकआउट करता हूँ तो भाई मेरे को पीछे से पड़ती है। अब मैंने कहाँ है बंदा किधर, तो मेरे को बंदा दिखता भी है। अब मुझे लगा भाई ये जो है टीवी पे लेगा, लेकिन भाई ये तो देखना भी क्या करेगा, पंछी बिड़ू मस्त रन लो रन बहुत पंछी बनू मस्त घूम अच्छा। अब फिलहाल दोस्तों यहाँ पे जो मैं इसको मारता हूँ दोस्तों यहाँ पे जो है मैं टावर वाले कंजर को भी पूरा फिनिश कर डालता हूँ, क्योंकि भाई मेरे अलावा बिल टट्टी बेस में कोई और कंजर नहीं बन सकता है टावर में बैठ के। फिलहाल दोस्तों यहाँ पे जो मैंने इसको मार दिया उसका दोस्तों मैं सोचता हूँ कि अब मैं टावर वाला कंजर बनूंगा और मैं जाऊँगा बिल टट्टी बेस के टावर पे, क्योंकि दोस्तों आपको पता है भाई टावर पे जो एडवांटेज मिलता है ना, मतलब भाई वहाँ से जो किल मिलते हैं मतलब मजा ही आ जाता है। फिलहाल दोस्तों यहाँ पे जो है मैं सोचता हूँ कि चलो भाई मैं फटाफट से जाता हूँ, मेरे को कोई नहीं दिख रहा है, मस्त जा रहा हूँ। लेकिन दोस्तों ये मेरी गलत फहमी थी, अभी आप देखते जाना। जैसे दोस्तों यहाँ पे जो है मैं ऊपर जाऊँगा तो अब देखो मेरे साथ क्या हुआ। अब यहाँ पे तो मैं मस्त लूटा पार्टी कर रहा था इसको मारने के बाद भाई ये करण वरण को मतलब जो भी इसकी पेटी पड़ी थी, तो मैंने कहा नहीं यार ये तो उसकी पेटी नहीं है। तो फिलहाल दोस्तों यहाँ पे जो मैं आगे बढ़ता हूँ और मैंने कहा लगता है उसकी पेटी तो ऊपर है। फिलहाल दोस्तों यहाँ पे जो मैं उसकी पेटी लूटने जा रहा हूँ और अब देखो अब फिलहाल दोस्तों यहाँ पे जो भाई मेरे को पड़ रही थी भाई बहुत तेज तेज गोलियां पहाड़ी से, और मैंने मरने से पहले अर्ची पूरी करी एक पेप्सी घूट मारी और भाई मेरा बस एक ही सहारा था ये पिलर, ठीक है जो ये डंडा था जो है ना यही सहारा था। तो यहाँ पे दोस्तों भाई मैं इसकी आड़ में बैठ के एक तकिया लगाता हूँ ताकि ना टूट जाए मेरी हड्डियां, और मेरे को भाई दिख गए जो दो दो बंदे हैं। तो मैंने कहा यार कैसे मारूं मेरे पास कवर भी कम है। तो मैंने गोयल को बोला गोयल कुछ कर और भाई मैंने बीड़ी का बंडल फेंक के मारा, लेकिन दोस्तों वो भी जो है नीचे गिर गया। मैंने कहा अरे यार एक बीड़ी तो मेरी सहारा थी। फिलहाल दोस्तों यहाँ पे जो है अब बीड़ी का बंडल तो नीचे गिर गया, तो मैंने कहा चलो भाई इनको मार के देखते हैं, ठीक है थोड़ा बहुत भाई मेरे को रिस्क लेना ही पड़ेगा। लेकिन दोस्तों पीछे से कमरे और बोलते गौरव आज खेली बड़ा लाइट लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो एक कमलेश दूसरे कमलेश का मर्डर कर देता है। मैंने कहा अरे कमलेश क्या कर रहा है भाई, और भाई यहाँ पे दोस्तों देखते देखते वो तो मर जाता है। फिर मैंने कहा यार जो गोयल इसको मैं मारूंगा तू मत मार दियो। फिलहाल दोस्तों यहाँ पे जो है इसको मार के मैं अपनी केड़ी बढ़ाता हूँ, और मैंने कहा यार अब तो मैं फंस गया हूँ, ठीक है मैं करूँ तो क्या करूँ, मतलब भाई वो पहाड़ी वाले बंदे जो है मेरे को जीने नहीं देंगे। अब फिलहाल दोस्तों मैंने कहा चलो भाई मरने से पहले अर्ची पूरी करते हैं और एक मेरिंडा घूट मारते हैं। मैंने जैसे दोस्तों यहाँ पर जो मेरिंडा घूट मारी ना, तो मैं सोचता हूँ चलो उनको झाँकते किधर है, और अब देखो एकदम दोस्तों यहाँ पे जो मेरे को एक और कंप्लेन जीता है जो कि टैप टैप करके मेरे को बुला रहा था केटी बड़ा ले डुन 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 डुन। लेकिन भाई सब दो मजदूर भाई सब मेरे कंप्लेन पे नजर मारते हैं। अब मैंने कहा भाई ये मेरे कंप्लेन पे नजर मार रहे तो मैं इन पे नजर मारता हूँ, लेकिन भाई सब मेरा जो है ना प्रे भाई डगमगा रहा था, बताऊँ क्यों, साइड से पहाड़ी वाले मेरे को मारने की कोशिश कर रहे थे और मैं इनको मारने की कोशिश कर रहा था। तो फिलहाल दोस्तों यहाँ पे जो भाई मेरा जो स्प्रे ना मैं पूरा हक देता हूँ, और उसका दोस्तों यहाँ पे जो मैं सोचता हूँ करूँ तो क्या करूँ, ये भी मेरे हाथ से निकल गया और ये पहाड़ी वाले मेरे को जाने दे नहीं रहे, तो मैं करूँ तो क्या करूँ कैसे मारूँ उनको। फिलहाल दोस्तों यहाँ पे जो है मैंने कहा भाई इसको मारना तो पड़ेगा ही, तो यहाँ पर मैं जो है एंगल बनाने की कोशिश करता हूँ और अब देखो मेरे को बंदा दिखेगा भाई। अब यहाँ पे दोस्तों मैंने भी जो है थोड़ा बहुत टैप टैप करके ना इनको मारने की कोशिश करी और मुझे लगा नॉक होगा, लेकिन भाई एक भी बंदा नॉक नहीं होता है। अब फिलहाल दोस्तों यहाँ पे जो इन लोगों को मैंने जब मारा तो भाई लोगों ने अपनी पोजीशन चेंज कर ली, फिर मेरे को ये दिखते नहीं है। तो मैंने कहा कहाँ गए अब मेरे को दिख भी नहीं रहे थे, तो भाई मैं इनको देख रहा हूँ और अब देखो क्या होगा। अब फिलहाल दोस्तों इतने में मेरे को दोबारा ये बंदा दिखता है और उसको मैं मारने की कोशिश करता हूँ, ये पेड़ के पीछे से मेरे को मारने की कोशिश करता, लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो फिर से बच जाता है और यहाँ पर उसका दो बंदे थे, इसलिए मैं दूसरे बंदे को भी चेक करता हूँ किधर कहीं वो मेरे को ना मार दे। अब यहाँ से मैंने अपने टीममेट को मार कर दिया था और गोयल भी जो है ना नीचे आ गया था, जो एक जाली के पास में टावर होता है ना स्नाइपर वाला वहाँ पे वो आ गया था। तो भाई मैं जो है भाई देख रहा था इनको भी और भाई गोयल को भी अलर्ट कर दिया था मैंने, देख वहीं पे बंदा है, लेकिन भाई साहब मेरे को कंटिन्यू फायर होता और भाई मैं इसको मार नहीं पा रहा था। तो मैंने यार क्या करूँ कहाँ से मारूँ, क्योंकि भाई उसको मैं अच्छे दिख रहा था लेकिन यहाँ पर जो है ना मेरे को दिख नहीं रहा था बार बार। इतने दोस्तों मेरे को ना ये वाले बंदे दिखते जो कि दोस्तों मेरे कमलेश को मार के आए थे, ठीक है। तो मैंने कहा बेटा तुम लोगों ने मेरा कमलेश मारा है, तुम लोगों को तो मैं मारूंगा। फिलहाल दोस्तों यहाँ पर जो है ये वाले बंदे सी बिल्डिंग में घूम रहे थे और सेंटर वाले में से मैंने गोयल को बता भी दिया गोयल यहाँ पे बंदे हैं थोड़ा ध्यान रखियो। अब मैं थोड़ा यार मैं फंस चुका हूँ, सैंडविच हो चुका है, क्योंकि भाई इस साइड में ये वाले बंदे इस साइड में ये वाले बंदे हैं, तो कैसे मारूं, क्योंकि ये वाले जब तक पहाड़ी वाले बंदे हैं तो मैं इनको मार नहीं सकता क्योंकि मेरे को मारने देंगे नहीं। तो मैंने कहा कुछ तो करना पड़ेगा मेरे को। अब फिलहाल दोस्तों यहाँ पर जो मैं वेट करता हूँ और अब देखो क्या होगा। अब यहाँ पर मेरे को दिखता है ये जो बंदे ना भाई बग्गी लेके शायद भाग रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं, तो भाई इनकी बग्गी लड़खड़ा देती है। अरे भाई 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 मतलब भाई सब सैलमन भाई वाला ड्राइवर था इसके अंदर।
तो भाई यहाँ पे जो इसको मैं मारता हूँ और भाई इसका दोस्तों यहाँ पे जो है ना एक भी हिट मेरा नहीं लगता है और ये भाई बागड़ी लेके ना चूरन की स्पीड में भाग जाते हैं। मैंने कहा ये किधर गए। अब फिलहाल दोस्तों यहाँ पे ना मेरे को डाउट था कि शायद ये ना लोग ब्रिज कैम करने गए होंगे और भाई मेरा शक बिल्कुल सही होता है, लेकिन दोस्तों अभी आप देखते जाना भाई गोयल को भाई गंदी वाली पड़ती है और भाई इसकी एचपी आप देखो कितनी कम हो चुकी थी। अब फिलहाल दोस्तों यहाँ पे जो है ना मेरे को पता था गोयल खतरे में आ चुका और भाई इसकी पेट से मेरे को मिल जाता है 6x, तो मैं काफी ज्यादा खुश होता हूँ। और मैंने देखा गोयल के ऊपर ये बंदा रश कर रहा है। अब भाई इतने जोन भी आता है और वो लेता है मेरी पप्पी, तो ना निकल जैसे पहले मेरी टट्टी से दोस्तों यहाँ पे जो मेरे को आगे बढ़ना था, लेकिन भाई मेरे पास वेस्ट भी नहीं थी, तो फटाफट से मैं लेवल 1 की वेस्ट लगाता हूँ और भाई साहब गोयल को अंबानी मार के भाई वो बंदा बन जाता है अंबानी। मैंने कहा रुक जा बेटा। अब फिलहाल दोस्तों इसको तो मैं मार देता हूँ और जैसे इसको मैं मारता हूँ तो मेरे को पता टीम मेट भी आएगा और आता ही है और इसको दोस्तों यहाँ पे जो मैं नॉक कर देता हूँ। अब फिलहाल दोस्तों यहाँ पे जो मैं इसको पूरा फिनिश कर डालता हूँ और मैं गोयल को बचाने चल पड़ता हूँ। मैं तो मारूंगा आप। अब फिलहाल दोस्तों यहाँ पे जो मैं सोचता अरे यार गोयल 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 तू बच जाएगा। फिलहाल दोस्तों यहाँ पे जो है मैं भाग रहा था, मैंने गोयल की एचपी देखी थी बहुत कम थी, फिर मैं कूद गया भाई यहाँ से और मैं कूदते सबसे पहले इसको खत्म करता हूँ और मैं गोयल को बचाने जा ही रहता हूँ लेकिन भाई यहाँ पे दोस्तों जो है गोयल मर जाता है। अब फिलहाल दोस्तों यहाँ पे जो है मैं इसकी पेटी में लूटा पार्टी करता हूँ, जो इस बंदे की पेटी में थी ना जो भी मतलब लूट मिलती है और भाई साहब मतलब क्या ही लूट मिली, अमृत का घड़ा मिल गया, एटैक्स मिल गया, मतलब भाई तगड़ी चीजें ले जाए। तो फिलहाल दोस्तों यहाँ पे जो मैंने फालतू चीजें फेंकी मतलब एटैक्स का मेरे को काम तो था नहीं, इसलिए दोस्तों यहाँ पे जो है ना भाई मैंने फटाफट ना लूटा पार्टी करी, बस मैं जो चीज चाहिए थी। अब फिलहाल दोस्तों इसी के साथ ना मैंने बिल टट्टी पे साफ कर दिया था, लेकिन दोस्तों अभी जो है ना पहाड़ी वाले बंदे भागे थे तो मुझे डाउट था कहां पे, लेकिन दोस्तों में कमलेश आता और बोलता गौरव आजा केडी बड़ा ले डुन 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 डुन। मैंने कहा अरे वाह कमलेश बिल टट्टी पे साफ करने के बाद आया। फिलहाल दोस्तों यहां पे जो है देख लो कमलेश मेरे कितने अच्छे दोस्त है, मतलब भाई मैंने सफाई क्या कर दी बिल टट्टी पे इसकी, तो इनाम में मेरे को भाई कुछ तो मिलेगा ना, तो कमलेश मिल रहे। फिलहाल दोस्तों यहां पे जो एक और कमलेश आता है और बोलता गौरव आजा केडी बड़ा ले डुन 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 डुन। मैंने कहा अरे भाई साहब ये तो सोने पे सुहागा हो गया। अब फिलहाल दोस्तों उसको मैं मार देता हूँ उसका दोस्तों यहाँ पे जो है मैं सबकी पेटी में ना कूड़ा बीन रहता हूँ और अब देखो मेरे साथ क्या होगा। अब फिलहाल दोस्तों एक पेटी में ना मेरे को भाई काली डंडी मिल जाती है, वो भी एक नहीं दो दो मिल जाती है, तो आपको तो पता भाई मेरे को काली डंडी कितनी ज्यादा पसंद है, इसलिए दोस्तों यहाँ पे जो मैं काली डंडी लेता ही हूँ। इतने दोस्तों कमलेश आते गौरव आजा केडी बड़ा ले डुन 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 डुन। मैंने कहा अरे भाई साहब क्या हो रहा है, तीन तीन कमलेश मिल गए, हम टोटल आउट ऑफ कंट्रोल हो गया और भाई साहब मेरी मस्त केडी बढ़ा दी। फिलहाल दोस्तों यहाँ पे जो है गेम प्ले बना दिया भाई, कमलेश थे मेरा 14 किलो हो चुके थे। अब फिलहाल दोस्तों यहाँ पे जो है भाई मैंने मिल टट्टी में मस्त साफ कर दिया था, अब यहाँ पे दोस्तों कोई भी नहीं था, ठीक है अब तो कमलेश तो क्या विमलेश कोई भी नहीं था। फिलहाल दोस्तों यहाँ पे जो है इन लोगों को मारने के बाद ना मेरे को सामने एक बाइक दिखती है, तो मैंने कहा चलो भाई धूम मचाते निकल जाते इस जोन में, क्योंकि भाई जोन जो है काफी तेज़ थी, मेरी पप्पी भी लेट था, तो मैंने कहा जाने से पहले एक काम करते हैं अमृत का घड़ा लगाते हैं और यहाँ से निकल जाते हैं। अब फिलहाल दोस्तों यहाँ पे जो है मेरे को ब्रिज क्रॉस कर रहा था और भाई मेरे को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि यहाँ पे दोस्तों मेरा जो है स्वागत करके बैठे हुए ये दोनों बंदे जो भागे थे बग्गी लेके, क्योंकि भाई मेरे को लग रहा था भाई जोन आ चुका है, कौन ही ब्रिज कैंप कर रहा होगा, लेकिन अभी आप देखो क्या होगा। अब भाई साहब दोस्तों यहाँ पे जो है भाई ये जो बंदे हैं ना भाई ये लोग तैयारी कर रहे हैं जाने की, इनको लग रहा था कोई आएगा नहीं, लेकिन भाई साहब अब मेरी एचपी देखो कितनी कम हो चुकी है। अब यहाँ पे मेरे को पता था भाई इन लोगों को मैं छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि मेरे को आ गया था गुस्सा। मैंने कहा अच्छा बेटा मेरे सामने कैम करोगे, अच्छा हमको सिखा रहा है। फिलहाल दोस्तों यहाँ पे मैं बैठ के लगाता हूँ तके, क्योंकि भाई मेरी टूट चुकी थी हड्डियां। फिलहाल दोस्तों यहाँ पे मेरे को पता था ये लोग आएंगे जरूर जोन में। अब यहाँ पे दोस्तों इस बंदे को तो एक भी गोली नहीं लगती, लेकिन भाई इसकी बागड़ी की जो है ना मैं टट्टी निकाल देता हूँ। अब फिलहाल तो यहाँ पे जैसे टायर तो मैंने फोड़ दिए थे और भाई मैं जो है इसको मारने के लिए निकल जाता हूँ और भाई यहाँ पे दोस्तों मैंने देखा यार ये तो एक ही बंदा है, लेकिन भागे तो दो बंदे थे। अब फिलहाल दोस्तों मैंने कहा चलो कोई बात नहीं इसको मारते हैं और भाई मेरे को पता था ये वाला बंदा आगे जाकर रुका होगा, क्योंकि इसका मैंने जो बग्गी का टायर फोड़ा है। तो यहाँ पे तो मैंने बोला कि बेटा आप देख मैं बताता हूँ कैसे कैंप करते हैं। फिलहाल दोस्तों इन लोगों ने तो मेरा ब्रिज कैंप करा था, मैं इनका करूंगा पहाड़ी कैंप। अभी मजा आएगा ना भिड़ो, और भाई पहाड़ी पे चढ़ के मारूंगा। फिलहाल दोस्तों यहाँ पे जो मैं इस पहाड़ी पे आके भाई बैठ जाता हूँ और मेरे को पता था ये वाला जो बंदा है ना वो कार को लेने पक्का आएगा, सामने आप देख सकते हो ना जीप खड़ी है सोड़ी की, तो मैंने कहा ये पक्का उस सोड़ी की जीप को लेने आएगा और फिर मैं इसकी चोटी रगड़ूंगा। फिलहाल दोस्तों यहाँ पे मैं बैठ के लगा रहा हूँ पट्टी ताकि ना निकल जाए मेरी टट्टी और भाई मेरे को ये बंदा दिखता है ओपन में आता है जंपिंग पंच करते हुए जा रहा था टन पड़ी ना टाट पे। फिलहाल दोस्तों यहाँ पे जो है मैं इसको नॉक करता हूँ और जैसे दोस्तों उसको मैं नॉक करता हूँ ना तो भाई ये बचने की कोशिश करता है, मुझे लगा यार ये बचने की कोशिश क्यों कर रहा है, क्योंकि भाई अगर ये अकेला ही है तो ये खामखा अपनी मेहनत क्यों लगा रहा है। फिलहाल दोस्तों यहाँ पे जो है मेरे को पता था यहाँ पे दोस्तों उसका दोस्त भी है। अब फिलहाल दोस्तों यहाँ पे जो उसका दोस्त आता है ओए किसने टच करा वड़ा वुंग 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 वड़ा वुंग वुंग वड़ा वुंग। और अब देखो ब्रिज कैंप कर रहा था पिट गया भाई साहब, इतनी हंसी छुट्टी ना आपने देखा, जूम करके दिखाता हूँ आपको क्या हुआ। अब फिलहाल दोस्तों यहाँ पे जो है भाई इसको देख के मेरे को इतनी हंसी छुट्टी ना, मतलब इसका टीममेट इसको गाली बक रहा होगा भाई साहब,
तू एक काम कर, BGMI डिलीट कर दे, अनइंस्टॉल कर आज के आज, अभी के अभी, अभी पे अभी। तेरे साथ मेरे को खेलना ही नहीं है भाई, कौन बग्गी से कूद के जान देता है। फिलहाल दोस्तों यहाँ पे जो है इसका टीममेट्स को बहुत बकरा होगा, और भाई इसी के दोस्तों यहाँ पे जो है भाई दोनों का किस्सा मैं खत्म कर देता हूँ। मतलब भाई साहब मेरा ब्रिज कैम कर रहे थे दोनों। अब फिलहाल दोस्तों यहाँ पे जो है ना भाई, देखते देखते मेरे 16 खेल हो गए थे, और अब तो दोस्तों आप बोल सकते हो भाई जो मिलिट्री टीम से भागे थे ना उनकी भी मैंने छोटी रगड़ दी। और भाई इसी दोस्तों यहाँ पे जो मैं मिलिट्री बेस का भी किंग बन चुका था। अब भाई आजकल जो है ना मैं मिलिट्री बेस में काफी अच्छा खेल रहा हूँ। अब फिलहाल दोस्तों यहाँ पे जो है इन लोगों को मारने के बाद ना भाई मैं इनकी पेटी से लूटा पार्टी तो करता हूँ, लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो मेरा टीममेट है ना भाई वो बहुत ज्यादा डरा हुआ था। मतलब वो अकेला था ना तो उसको लग रहा था इसकी दोबारा पिटाई ना हो जाए, इसलिए दोस्तों यहाँ पे जो है वो मेरे को बोलता है कि भैया मेरे पास आ जाओ, मेरे पास आ जाओ। ठीक है, मतलब भाई अब हो चुका है आपका तो जो आपने करना था। तो मैंने कहा ठीक है मैं आ रहा हूँ टेंशन बदले में आ रहा हूँ। फिलहाल दोस्तों यहाँ पे जो है मैं बैठ के यहाँ पे लगाता हूँ पट्टी, ताकि ना निकल जाए टट्टी, क्योंकि भाई यहाँ पे दोस्तों जो है मेरी हेल्थ काफी तेज से कम होती। फिर मैंने कहा यार लगता है लैपटॉप भी लगाना पड़ेगा, मतलब पट्टी से काम नहीं बन रहा था, इसलिए दोस्तों यहाँ पे जो मैं एक बैठ के पूरा पूरा लैपटॉप लगाता हूँ। और फिर मैंने कहा चलो भाई काम करते हैं, अपने टीममेट के पास जाते हैं और उसकी मदद करते हैं। अब फिलहाल दोस्तों यहाँ पे जो मैं सोड़ी की जीप पकड़ता हूँ और धूम मचाते हुए निकल जाता हूँ अपने टीममेट की तरफ, और आप देखो क्या होगा। फाइनल दोस्तों यहाँ पे जो मैं अपने टीममेट के पास तो पहुंच जाता हूँ, और यहाँ पे मैं इसको बोलता हूँ कि चल चल बैठ बैठ बैठ, भी फटाफट से जो है बंदे मारेंगे, अच्छा खासा गेम प्ले बन रहा है, 20 किल से ऊपर आराम से हो जाएंगे। अब फिलहाल दोस्तों यहाँ पे जो है ना 20 किल की भाई आशा लेके भाई आगे बढ़ रहा हूँ, और यहाँ पे मेरे को लग रहा था सामने जो है ना रोज हक है, और भाई उसके अंदर दोस्तों यहाँ पे जो इस बिल्डिंग में कोई ना कोई कैंप कर रहा होगा, और भाई मेरा शक बिल्कुल सही होता है। और यहाँ पे दोस्तों जैसे मैं आता हूँ भाई एक भिड़े का स्कूटर भी खड़ा था, और भाई यहाँ पे मेरे को दो फुटस्टेप भी आते हैं। अब जैसे दोस्तों यहाँ पे मेरे को दो फुटस्टेप बनाए, तो भाई यहाँ पे दोस्तों मेरे पास ना कड़ोकड़ा काड़ा थे, तो मैंने कहा चलो भाई फेंक के मारते और भाई उनकी टट्टी निकालते हैं। फिलहाल दोस्तों यहाँ पे जो मैं फेंक के मारता हूँ पहला, अब फिलहाल दोस्तों यहाँ पे जो मुझे इस चीज़ तो समझ आ गई थी, ये जो बंदे है ना भाई वो छत पे है, नीचे तो नहीं है, इसलिए दोस्तों यहाँ पे जो मैं एक और फेंक के मारता हूँ, लेकिन दोस्तों शायद ये वाला छत पे नहीं गिरता, इसलिए दोस्तों यहाँ पे जो मैं सीढ़ी फेंक के मारता हूँ और भाई वो जलता भी है। अरे कौन था ये मजदूर, लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो उसकी टटी नहीं निकलती है, इसलिए दोस्तों यहाँ पे जो है मैं एक बम्बानी निकालता हूँ और फेंक के मारता हूँ, लेकिन भाई बम्बानी मेरे से गलती से नीचे गिर जाता है, तो भाई मैं जो दूसरा बम्बानी निकालता हूँ, और आप देखते मेरे को वो बंदा दिख भी गया था। अब यहाँ पर मैंने एग्जैक्ट नेट मारा, लेकिन भाई पता नहीं यार वो बंदा फूटा ही नहीं है। भाई यहाँ पे दोस्तों जो है मैंने फिर से एक दोबारा नेट मारा, लेकिन आप देखना क्या होगा, भाई साहब टच होके नीचे आ गया गलती से, ग्लिच होके। अब फिलहाल दोस्तों यहाँ पे जो मेरी बम्बानी करोड़ों करोड़ काढ़ा सब कुछ जो है भाई पूरा का पूरा खराब हो चुका था, तो मैंने कहा अब क्या करूँ क्या करूँ। भाई मैंने गोयल को बोला कि एक नेड़ है, नेड़ है, देना देना। अब फिलहाल दोस्तों मैं सही बताऊँ, जब किस्मत खराब होती है तो कुछ भी हो सकता है, जैसे कि आप देखते हैं लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो मेरी टट्टी नहीं निकली, मैं भी बच गया। अब फिलहाल दोस्तों उसने भी जो है करोड़ों कड़वा कड़वा काढ़ा फेंक के मारता। फिलहाल दोस्तों यहाँ पे मैं एक तकिया लगाता हूँ ताकि ना टूट जाए मेरी हड्डी, और भाई मरने से पहले अगर से बूट करता हूँ, एक पेप्सी घूट भी मारता हूँ। अब यार सच बताऊँ यार मेरे को लगता है यार ये गेम प्ले बहुत तगड़ा होने वाला है, लेकिन भाई साहब मुझे नहीं पता था ये कैंपर मेरा पूरा का पूरा गेम खराब करने वाला है। फिलहाल दोस्तों आप देख सकते हैं मैं जो सोच रहा था लॉट टॉस करके इसके ऊपर जो है बम फेंकता हूँ, लेकिन भाई पता नहीं मेरा क्या ग्लिच होता, मेरे को भाई समझ ही नहीं आता भाई इसको मैं कैसे फेंकूँ। ठीक है, तो भाई यहाँ पर जो है मैं समझ गया था भाई लगता है आज किस्मत थोड़ी सी खराब है, लगता है भाई नेट नहीं जाएगा ऊपर। ठीक है, अब फिलहाल दोस्तों यहाँ पर जो मेरा नेट तो भाई ढंग से जा नहीं रहा था, तो मैंने कहा चलो यार लोटोस कर ढंग से काम नहीं कर रहा है, तो क्या करूं क्या करूं। फिर मैंने कहा नहीं यार ये नेट तो नहीं जाएगा, और भाई मैंने ऐसे तुक्के में फेंक के मारा और भाई नीचे गिर गया। अब फिलहाल दोस्तों यहाँ पे जो मेरे को पता है आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे भाई आई करके फेंकना चाहिए, वो जो आई वाला होता है ना, लेकिन यार दोस्तों यहाँ पे जो है भाई मैं जो है नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि मैं नॉन जायरो प्लेयर हूँ, तो भाई मेरे को जो है स्क्रीन भी देखनी पड़ती है। अब फिलहाल दोस्तों यहाँ पे जो मैं सोचता हूँ कि चलो गोयल को आगे भेज देते हैं, कैम कर रहा होगा तो मार देंगे, और भाई उसके गरज जाती तो मुझे पता था वो गरज जाएगा, और भाई गरज भी जाता है गोयल के ऊपर, तो यहाँ पे मैं नॉक करता हूँ इसको, और भाई साहब ऊपर भी एक और कैंपर बैठा होता है गीली लुंगी पहन के यार। अब यार क्या ही कर सकते हैं। फिलहाल दोस्तों यहाँ पे जो भाई इसी के साथ दोस्तों यहाँ पे जो ये वाला गेम प्ले खत्म हो जाता है, और भाई सही बताओ इतने बुरे कैंपर से पिटे ना, इतने बड़े भाई कैंपर थे ये लोग, क्या कर सकते हैं भाई, इनकी केड़ी देखो भाई जरा क्या करते हैं भाई ये लोग, कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर, साला तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा बता रहे हैं हम। तो बस दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही था, उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए, और हां भाई जिसने मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करा फटाफट से फॉलो कर लेना, और मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, धन्यवाद।